आजकल की ज़िंदगी में इंसान सबसे ज़्यादा टाइम गुजारता है मोबाइल पे, और मोबाइल जितना हम चलाते हैं उतनी उसकी बैटरी जल्दी ख़त्म होती है, और इसीलिए हमको चाहिए होता है उसका चार्जर। और एक टाइम आता है कि हमारी सबकी लाइफ में किसी न किसी टाइम पे जब वो चार्जर ख़राब हो गया, तो ओरिजिनल चार्जर तो महंगा आता ही है, तो हम ढूंढते हैं थर्ड पार्टी चार्जर्स। तो थर्ड पार्टी चार्जर्स ज़्यादातर जो सस्ते वाले होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, तो हमको एक अच्छा चार्जर, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, नॉर्मल सा ले लो, बट एक अच्छे क्वालिटी का चार्जर चाहिए। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, और मैंने अमेज़ॉन पे एक चार्जर ढूंढा, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे था, और उस चार्जर के साथ मैंने माइक्रो यूएसबी केबल भी ऑर्डर की, जो कि ब्रेडेड है, उस पर ब्रेडेड जैकेट चढ़ी हुई है पॉलीथाइलीन की, जो जिससे कि क्या होता है उसको चाहे आप जितना मर्जी बेंड करते रहो वो ख़राब नहीं होती ना, वो खिंचती है। ये रहा दोस्तों, ये है चार्जर, ये MI का चार्जर है, ये मैंने अमेज़ॉन से, अभी करंट प्राइस इसका अमेज़ॉन पे है 400 रुपये, और ये है वो ब्रेडेड केबल, ये बोट कंपनी का है चार्जर, आता है 6 महीने की वारंटी के साथ, और ये बोट का ब्रेडेड केबल आता है 2 साल की वारंटी के साथ। जी हाँ, 2 साल की वारंटी केबल पे। और ये वाली केबल है लगभग 1.5 मीटर लंबी, ठीक है, काफ़ी लंबी केबल है। आप देख सकते हैं इस बॉक्स को, बिल्कुल सिंपल सा है, ऊपर MI का लोगो है और पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और ये बार कोड्स दिए हुए हैं। ये हाँ इम्पोर्टेड है, बाहर से ही बन के आया हुआ है, इधर इम्पोर्ट किया हुआ है। ऊपर MRP है 500, ठीक है, ये मैंने बाय किया है 400 का। और ये है केबल, ये बोट की केबल है, ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात आती है, ठीक है, जो ये केबल है ये है ब्रेडेड केबल है, और जो ये इसके टिप्स आते हैं, हेड्स आते हैं, वो है मेटेलिक के, काफ़ी ज़्यादा रगेड, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो दोस्तों आइए इसको खोलते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसी है इनकी क्वालिटी। सो पहले हम करेंगे अनबॉक्सिंग चार्जर की, इसको साइड पर रख देते हैं, ठीक है। ये है MI का चार्जर, और मैं ऑलरेडी इसकी सील खोल चुका हूँ, चलो इसको निकालते हैं। और आपको इसमें मिलता है एक चार्जर, और बस छोटी सी ये स्लिप है, और कुछ नहीं है, बाकी सब खाली है। तो ये रहा MI का चार्जर, इसको उतार देते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्लीक है, बिल्कुल यानी नॉर्मल सा चार्जर है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है। ये USB पोर्ट नॉर्मल वाला चार्जर है जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं, और आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं यहाँ पे, आउटपुट ये देता है 5 वोल्ट के साथ 2 एम्पेयर का, यानी 10 वाट का चार्जर है। तो आपके पास अगर नॉर्मल एंड्रॉयड या आईफोन भी है तो ये बहुत अच्छा फास्ट चार्ज कर देगा। इसमें क्विक चार्जिंग का सपोर्ट तो नहीं है, बट अगर आप क्विक चार्जिंग वाला भी लेना चाहते हैं, अगर आपका मोबाइल क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस चार्जर का प्राइस वो है लगभग 500 के आसपास इस टाइम, तो ये वाला 400 का है, वो 500 का है। अगर आपके मोबाइल में है क्विक चार्जिंग तो आप वो ज़रूर ले सकते हैं, बट अगर आपका नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है, क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब ये रहा हमारा माइक्रो USB केबल, अब इसको खोलते हैं, ये रहे हमारी केबल, और इसमें क्या है, और इसमें है ये कार्ड, ठीक है, ये प्रोडक्ट आता है 2 साल की वारंटी के साथ, अच्छा है, इसकी है 6 महीने की और इसकी है 2 साल की। तो हम इसको थोड़ा सा खोल देते हैं ऐसे, और ये देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ब्रेडेड केबल, और ये बनी भी ऐसी है, अगर आप लंबे टाइम तक इसको यूज़ करेंगे तो जल्दी गंदी भी नहीं होगी। ये तो नॉर्मल केबल्स होती हैं वाइट कलर की, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, काली हो जाती हैं, बार बार साफ़ करनी पड़ती है, साफ़ होती भी नहीं है बहुत जल्दी। तो जो इसका मटेरियल, ये ब्रेडेड इसको जैकेट डाली हुई है पॉलीथाइलीन की, ठीक है, और जो ये वाला है ना, ये पोर्ट, ये इस तरह USB है और इस तरह माइक्रो USB है, तो ये वाला मटेरियल है, ये है मेटल का, ठीक है, मेटल की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है, और जब ये गर्म होता है तो इससे हीट डिसिपेट भी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ये गर्म नहीं होता, तो वो भी बात अच्छी है। और इसकी लेंथ भी बहुत बढ़िया है, लगभग 1.5 मीटर लंबी है ये केबल। तो ये वाली जो केबल है, ये टफेस्ट पॉलीथाइलीन ब्रेडेड जैकेट इसके ऊपर डली हुई है, ये वाली इतनी अच्छी है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेच प्रोटेक्शन है इसके साथ, यानी ये खिंचती नहीं है, जल्दी से आप इसको खींच नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा रगेड है। 2.4 एम्पेयर रैपिड चार्ज कर सकती है, और इसके डाटा स्पीड है जो
जो मैक्सिमम जो डाटा स्पीड आपको दे सकती है अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है 480 Mbps, इससे आराम से आप स्पीड ले सकते हो। 1.5 मीटर है ये लंबी, और कंपनी बोलती है इसको आप यानी यूज़ जब करते हो तो ये 10,000 प्लस पेंट लाइफ स्पैन्स हैं, यानी इस केबल को आप मोड़ सकते हो इधर उधर जब आप रखते हो, 10,000 बारी ये बेंट होने के बाद जाके भी ये जल्दी कहीं टूटेगी नहीं। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।